रहे हैं यहां तक। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए था। रीजन रेजिस्टेंस का क्या है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कोलिजन मैंने लास्ट टाइम बताई थी बेसिक कॉज है रेजिस्टेंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब अप्लाई करते हैं एक कंडक्टर के अक्रॉस, फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्युमुलेटेड ऑन देयर वे, जो जो इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी एक्सेलरेटेड ऑन देयर वे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद पॉजिटिव मेटल आयन इन द मोशन विच अपोजेस देम, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी मेटल आयन्स के साथ उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है। एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द कंडक्टर। हर का स्ट्रक्चर डिफरेंट है एटम का, हर के अंदर नंबर ऑफ कोलिजन्स डिफरेंट होती हैं, इसलिए ये बोला जाता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हर मटेरियल की डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। क्लियर है यहां तक, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स वेरी करती है। कोई डाउट इसमें? तो रीजन बता रहा है कि रेजिस्टेंस का रीजन क्या होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में कई बार आया हुआ है, मेंस और नीट में कई बार आया हुआ है, एनसीईआरटी में आएगा, बोर्ड में आएगा, तो पूरा सब्जेक्टिवली करेंगे ऐसे, कॉम्पिटिशन में आएगा तो एक लाइन का इसका शॉर्टकट बताऊंगा अभी, इसका रिजल्ट याद करेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है कि आपके पास एक वायर है, वायर की लेंथ कितनी है, एल है, और रेजिस्टेंस कितनी है, आर है। इसको खींच दिया, जब खींचेंगे तो वायर पतली हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, हमने कौन सा कोई मैटर निकाल लिया। तो जब आप इसे खींचेंगे तो लेंथ कितनी होगी, एल डैश, और आपने कितना खींच दिया, एन टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, तो एल डैश की वैल्यू इज एन इंटू एल, एन टाइम्स कर दी, तो रेडियस क्या हो गया, चेंज हो गया, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम, तो वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एल, यहां पर वॉल्यूम कितना है, पाई आर डैश स्क्वायर एल डैश, एल डैश किसके इक्वल है, एल टाइम्स एन, लिख दिया, एल से एल कैंसिल, यहां से सॉल्व करके आर डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। कोई डाउट इसमें? अब रेजिस्टेंस पहले कितनी थी इसकी, रो एल बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, नई रेजिस्टेंस कितनी हो गई, रो एल डैश बाय पाई आर डैश स्क्वायर, एल डैश कितना गिवन है, एन टाइम्स हो गया, स्ट्रेच कर दी एन टाइम्स, एन इन टू एल, और आर डैश स्क्वायर हमने निकाल लिया कितना, आर स्क्वायर बाय एन, तो एन ऊपर चला गया एन स्क्वायर, ये नई रेजिस्टेंस आ गई। इस रेजिस्टेंस को इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस जो नई रेजिस्टेंस आएगी वो कितने टाइम्स हो जाएगी, एन स्क्वायर टाइम्स आर हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? तो सीबीएसई में जब आएगा प्रूव करने को तो कर लेंगे, वॉल्यूम इक्वेट करके रेडियस की रेशियो निकालेंगे, वहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे और दोनों रेजिस्टेंस को डिवाइड करके आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव में सीधा शॉर्टकट करेंगे, अगर उसने बोल दिया कि वायर की रेजिस्टेंस आर है, उसको एन टाइम्स खींच दिया तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर इंटू आर हो जाएगी, अगर उसको आपने टू टाइम्स खींच दिया तो टू स्क्वायर इंटू आर हो जाएगी, थ्री टाइम्स खींच दिया थ्री स्क्वायर इंटू आर हो जाएगी, फोर टाइम्स खींच दिया फोर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगी। तो फॉर्मूला याद रहेगा कि अगर आपने उसको एन टाइम्स लेंथ को खींच दिया तो एन स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो जैसे एक वायर है 10 ओम की रेजिस्टेंस है और इसको स्ट्रेच कर दिया, इसको खींच दिया, कितना खींच दिया, थ्राइस, तीन गुना ज्यादा खींच दिया इट्स ओरिजिनल लेंथ, जितनी उसकी लेंथ है, उसकी नई रेजिस्टेंस कितनी है, शॉर्टकट करवाया अभी, रेजिस्टेंस 10 है, लेंथ कितने टाइम कर दी, थ्री टाइम, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाएगी, थ्री का स्क्वायर एन टाइम्स आर, थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन, नाइन इंटू टेन कितना, 90। को डाउट इसमें? पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा जिसमें एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है और लेंथ एल है, आपने वायर को ना कट कर दिया, इक्वल हिस्सों में कट कर दिया, तो इक्वल हिस्सों में कट किया तो लेंथ कितनी होगी, एल बाई टू और एल बाई टू। को डाउट इसमें? तो एल बाई टू एल बाई टू, तो जब आपने इसको इक्वल हिस्से में कट किया तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ। वो क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस होती है रो एल बाय ए, आपने रो तो चेंज नहीं किया क्योंकि मटेरियल तो चेंज किया नहीं, मटेरियल रिमेन सेम, ना आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज किया क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो तब चेंज होगा जब आप उसे खींचेंगे, काटने में एरिया तो चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चेंज हुई, लेंथ। तो लेंथ हाफ होगी तो रेजिस्टेंस भी
हाफ हो गई। कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है इसको कैसे करना है? नहीं, काट दिया, लेंथ हाफ हो गई, रेजिस्टेंस में लेंथ हाफ हो गई, रेजिस्टेंस हाफ हो गई। इसमें एरिया और रो तो चेंज ही हो रहा ना, तो सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो रही है। ठीक, क्लियर है? इसके बाद जैसे क्वेश्चन है, वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, इट इज मेल्टेड, पिघला दी एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ, लेंथ हाफ कर दी। मुझे एक बात बताओ, मेल्ट करने के बाद जो नई वायर बनेगी उसका वॉल्यूम क्या रहेगा इसके साथ? सेम। मुझे वॉल्यूम सेम वाला फंडा लगना है तो वो फॉर्मूला ही लगेगा सेम। जब हमने वो खींची थी तो उसमें भी तो वॉल्यूम सेम ही किया था, इसमें भी वॉल्यूम सेम है। दो मिनट शॉर्टकट लगा के देख लेते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस शॉर्टकट के हिसाब से क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और लेंथ कितनी कर दी मैंने, हाफ कर दी। तो इसमें एंड, क्योंकि डबल करते हैं तो 2 टाइम, 3 टाइम करते हैं तो 3 टाइम, हाफ करते हैं तो हाफ, तो इसमें एन की जगह क्या पुट करेंगे, 1/2 × 16, तो 16/4 क्या आएगा, 4 ओम। सही है, शॉर्टकट लगेगा इसमें, इसलिए लग रहा है क्योंकि वॉल्यूम रिमेंस सेम। प्रूफ तो वही रहेगा जो हमने पहले किया, पर अगर ये बोर्ड में आ गया तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा कि ये करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस 16 है, वॉल्यूम सेम है, पहले वायर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल है, अब नया कितना है, पाई आर डैश स्क्वायर एल बाई टू है, रेडियस आएगा, नई पुरानी रेजिस्टेंस आएगी, नई रेजिस्टेंस आएगी जिसमें लेंथ एल की जगह एल बाई टू और रेडियस आर डैश स्क्वायर की जगह ये पुट करेंगे, ये ना, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर अपने आप ही 4 ओम आएगा। मतलब शॉर्टकट लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं तो मेथड तो वही है जो हमने थोड़ी देर पहले अभी फर्स्ट क्वेश्चन